हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे वांडा विजन के न्यू ओटीटी अपडेट्स के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे स्पेशल अपडेट्स के बारे में जिसमें कि स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 और मनी हाइट से रिलेटेड अपडेट है। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो अभी हाल ही में मार्वल स्टूडियो ने अनाउंस करा है वांडा विजन का डॉक्यूमेंट्री एक वेब सीरीज जो कि डिज्नी प्लस पर रिलीज होगा, जिसका नाम है मार्वल स्टूडियो असेंबल द मेकिंग ऑफ वांडा विजन, जो कि 12 मार्च को रिलीज होगा और आप इसे जरूर देखिएगा। इसमें आपको वांडा विजन का पता चलेगा कि ये कैसे बनी। उसी के साथ मिस मार्वल फॉर लाइफ, जो कि डायरेक्टर ने टी शर्ट पहन के कन्फर्म करा कि इसका वर्किंग टाइटल है और ये ऑफिशियली डिज्नी प्लस पर रिलीज होगी टीवी सीरीज जो कि डायरेक्ट कैप्टन मार्वल 2 से कनेक्ट होगी। उसी के साथ आप बात करते हैं नेटफ्लिक्स अपडेट के बारे में। तो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 से रिलेटेड अपडेट बहुत ही कमाल का आया है। फिन जो कि इसके मेन एक्टर है, उन्होंने क्लियर कर दिया कि आपको सीजन 4 बहुत ही ज्यादा डार्क देखने को मिलेगा। अब डार्क का मतलब अगर आप पूछोगे तो आप डीसी की मूवी देख सकते हो, उसमें डार्क का मतलब बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। देन उसी के साथ अगला अपडेट है नेटफ्लिक्स से रिलेटिव। तो एडम फैमिली जो कि हिंदी में रिलीज हो चुकी है नेटफ्लिक्स पर, इसकी अपकमिंग स्पिन ऑफ सीरीज भी कंफर्म हो गई है कि ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी, जिसका नाम रखा गया है वेनसडे। डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। उसी के साथ जैक स्नाइडर की जो कि अपकमिंग मूवी है जस्टिस लीग, उसमें आपको ग्रीन लैंटर्न भी देखने को मिलेंगे जो कि मार्च में एचबीओ मैक्स पर भी रिलीज होगी वर्ल्ड वाइड। उसमें आपको ग्रीन लैंटर्न भी देखने को मिलेंगे। बियॉन्ड हर आइज जो कि नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज हो चुकी है, गाइस जाके देखो, बहुत ही कमाल की है और देन देखने लायक है, आप कह सकते हो कि बढ़िया कंटेंट है। उसी के साथ अगला अपडेट है अम्ब्रेला एकेडमी का सीजन 3 का, फाइनली इसकी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और भी जो सेट से रिलेटिव अपडेट्स आएंगे मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। डिज्नी ने कंफर्म कर दिया डकटेल्स का जो रिबूट वर्जन चल रहा है इस टाइम प्रेजेंट में, इसका आपको सीजन 3 भी देखने को मिलेगा जो कि अराउंड 90 मिनट में फिनिश हो जाएगा। जी हाँ, 90 मिनट में। और इसी के साथ एचबीओ मैक्स का न्यू फर्स्ट लुक रिलीज हो चुका है, एक्वामैन अटलांटिस द किंग। जी हाँ, इसका ऑफिशियली फर्स्ट लुक रिलीज हो चुका है, पर हिंदी में आएगा ये नहीं, अभी तक कंफर्म नहीं है। चकी की जो टीवी सीरीज आने वाली है ये आपको मार्च में शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और अगस्त में इसकी एंडिंग हो जाएगी, और दिन कब रिलीज होगी अभी तक क्लियर नहीं है। उसी के साथ कारा का आपको रिबूट वर्जन देखने को मिलेगा अपकमिंग सीजन में मेडोलिन के। जी हाँ, इसको ऑफिशियली जो एक्ट्रेस थी उनको फायर कर दिया। द कॉन्टिनेंस की एक टीवी सीरीज बन रही है लाइव एक्शन जो कि एचबीओ मैक्स पर रिलीज होगी और जे इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं नए अपडेट के बारे में। तो फाइनली लेजेंड्स के आपको 2 नए एपिसोड और देखने को मिलेंगे 12 मार्च को। अभी डेट कंफर्म नहीं हुई है, फिर भी फिलहाल 12 मार्च को देखने को मिलेंगे जो कि पेगी कार्टर और जीमो का होने वाला है। उसी के साथ द स्पाई लॉन्गेस्ट प्ले पे हिंदी तमिल तेलुगु में आ चुकी है। मूवी बहुत कमाल की कॉमेडी है और स्पाई टाइप की है, तो देखिएगा जरूर। अब बात करते हैं नए अपडेट के बारे में। तो फाइनली मनी हाइट्स हिंदी तमिल तेलुगु में सीजन 1, 2 और 4 आ चुके हैं, तो देखिएगा जरूर, बहुत ही कमाल की टीवी सीरीज है। तो गाइस ये थे वो काफी सारे कमाल के अपडेट ओटीपी। तो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।